सागौर थाना क्षेत्र में 17 वर्षों से फरार स्थाई वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पिछले कई समय से पुलिस अधीक्षक धार आदित्य प्रताप सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के नेतृत्व में फरार वारंटी की गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत नगर पुलिस अधीक्षक तरुण सिंह बघेल को सूचना मिली थी कि सागौर क्षेत्र में रहने वाला फरार वारंटी परमानंद पिता पन्नालाल निवासी ग्राम झाड़ी बरोदा हाल ही में साधु का वेश धारण करके आया हुआ है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह भदौरिया एवं उनकी टीम घेराबंदी करके परमानंद पिता पन्नालाल जाति भील उम्र 48 वर्ष निवासी झाड़ी बड़ौदा सागौर हाली मुकाम मानवता रतलाम को गिरफ्तार किया। आरोपी वर्ष 2003 से चंदन चोरी के मामले में पिपलोदा थाना जावरा रतलाम से फरार चल रहा था। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। क्या मामला था जो आज? ये एक 17 साल से अधिक समय से फरार परमानंद पिता पन्नालाल कीर झाड़ी बड़ौदा थाना सागौर क्षेत्र के गाँव का रहने वाला था। ये चंदन चोरी में पिछले 17 साल से लगातार फरार था और साधु के वेश में गुजरात उत्तर प्रदेश वगैरह कहीं घूमता रहता था। हमको सूचना प्राप्त हुई, उसके आधार पर इसको गिरफ्तार किया और माननीय न्यायालय में पेश किया गया। ये कौन कौन सी धाराएं लगाई गई? इसमें चोरी की धारा लगी है और बेमियादी वारंट था इसका, 17 साल से फरार था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।